ऐसे तो इस दुनिया में बहुत से रहस्यमय जगह हैं, लेकिन उनमें से कुछ जगहों की मौजूदगी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये चीजें आई कहां से, या फिर इसे कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया। वट ऐसे ही एक रहस्यमय और इंटरेस्टिंग जगह है इजिप्ट। आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में रहा करते थे। ये लोग अपने समय में एडवांस टेक्निकली स्किल से वाकिफ थे और सुंदर और आकर्षण कलाकृतियों का निर्माण करने में भी माहिर थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना, जो हर वातावरण में पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती हो। पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट और एलियन का वजूद होना। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया। आज हमारे वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो ये बताता हो कि इसे कैसे बनाया गया था, और इसी वजह से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई जो अलग अलग तरीके का दावा करती है। इजिप्ट के पिरामिड ये अति उत्तम रचनाओं में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी रहस्य को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लगाया, और इन्होंने किस तरह का कंक्रीट का इस्तेमाल किया, और ये इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं? बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसा संरचना बनाना वैज्ञानिक रूप से इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे पत्थर 20,000 किलो से 70,000 किलो तक भारी थे। उन्हें जमीन पर खींच कर लाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त इजिप्शियन लोगों को पहिए के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, और अगर मान भी ले कि हजारों मजदूरों के द्वारा ऐसा किया गया हो तो उन्हें इतनी ऊंचाई तक इतनी एलाइन तरीके से कैसे लगाया गया होगा। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन होते हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने में काम आते हैं, वो यूजुअली 20,000 केजी से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आज के समय में 20,000 केजी को उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से करीब 4,500 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिए बिना एडवांस मशीनरी के? इसका एक जवाब है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो वास्तव में आसमान के कॉन्सुलेशन यानी कि तारे के एक नक्षत्र के साथ एलाइंड है। आसमान के इस कॉन्सुलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट, और इसके 3 मुख तारे हैं जिनका नाम है एल नाइटक, एल नाइलम, माइंटेका। ये 3 तारे पिरामिड से सिंक है। इसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल चीजों को देखकर बहुत सारे थ्योरीज ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प से इम्पॉसिबल से चीज पिरामिड को बनाए, और एलियन इन्हीं 3 तारों से आए थे। पिरामिड को एलियन ने बनाया या इंसान ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो सच है कि पिरामिड और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। पिरामिड क्यों बनाया गया? पिरामिड क्यों बनाए गए, इसकी किसी के पास कोई भी असल वजह नहीं है। आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया होगा। मम्मी के बारे में कभी ना कभी तो आपने जरूर सुना होगा। तो उस समय के राजा और रानियों के बॉडी को मम्मीफिकेशन प्रोसेस के जरिए बॉडी को लाइलन नामक एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडी यानी कि कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। जी हां, आपने सही सुना, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टॉम्ब्स बिल्कुल खाली थे, और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि आम तौर पर उस समय के बाकी जगहों के टॉम्ब्स पर लिखा जाता था। तो इन सब को देखकर थ्योरिस्ट ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाया गया था, किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। और इसी सब के चलते ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी एलियन के वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था, और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की मैप को अगर आप लो और अगर सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंग, इस पूरी धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर ये पिरामिड है। हाँ, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, पर ये मत भूलिए कि ये पिरामिड उस समय बनाए गए थे
जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था, उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले के लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है। तब उस समय ये लोग आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए? और एक चौंका देने वाली बात यह है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकाले तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाकर मिलेगा। बस कुछ किलोमीटर का फर्क है। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज से 4,500 साल पहले लैंड मार्क जो था उसकी पोजीशन एक्चुअली थोड़ी सी चेंज हो गई और टेक्टोनिक प्लेट हिल गए हैं। इसलिए जो थोड़ी सी फर्क है वो भी सालों के धरती के स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुई है, जो कि नेचुरल होती रहती है। नहीं तो उस समय 4,500 साल पहले ये परफेक्टली अलाइंड था नॉर्थ पोल के तरफ। पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है, पर इसके अंदर का टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं, और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया तो रोबोट ने कैमरे से ये देखा कि ये तो असल में बंद है, और हर टनल्स के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है। तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड की अगर सारे चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर चैम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बेस चैम्बर, और ये है क्यून चैम्बर्स, और सबसे ऊपर है किंग चैम्बर्स। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से या इस रास्ते से एंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर सकोगे। पर रोचक बात यह है कि आज तक इन्हें कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, डिस्कवर्ड चैम्बर्स मतलब इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता। जब क्यून चैम्बर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तब ये देखने को मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई इसके अंदर जा पाए, पर एक एडवांस टूल के जरिए बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा को भेजा गया। तो उस कैमरे ने इस तस्वीर को खींचा, और इसके अंदर पहुंचने से पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया, और इसके आगे का एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। और इसके बाद से वहां के गवर्नमेंट फिर से किसी को अलाउ नहीं किया इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो है कि पिरामिड के करीब है वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है, और गर्म हवाएं वहां चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसा बनाया गया था कि चाहे बाहर के टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड के अंदर के तापमान कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, जो कि धरती के सबसे कंफर्टेबल और एवरेज तापमान है। इसे आप 4,500 साल पहले की नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। वेल, यहाँ पर एक हाथोर नाम का मंदिर मौजूद है। वहाँ पर इस तरह की ड्राइंग बनी हुई है, इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये आज मॉडर्न बल्ब की तरह दिखाई देती है, जिसके अंदर एक फिलामेंट मौजूद है, और ये एक बल्ब रिसीवर से जुड़ा हुआ है जो कि इसका पावर सोर्स हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बात को कहीं ना कहीं सच मानने पर मजबूर हो रहे हैं, और बहुत से अभी भी इसे सच नहीं मानते। वेल, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।